हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बैकनेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए, ये पैटनी साड़ी का ब्लाउज़ है और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक को हम इस तरीके से अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर देखिए, नीचे से ये कपड़ा सीधा नहीं है तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करके इस कपड़े को सीधा कर लेंगे। ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, आपको जितना बड़ा लेंथ में रखना है। मैं यहाँ पर 14.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि 13.5 इंच मुझे तैयार रखनी है लेंथ। और यहाँ पर देखिए, मैं 36 साइज़ का ब्लाउज़ बना रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें शोल्डर और आर्मोस लेने हैं डीप नेक के अकॉर्डिंग 5.5 इंच। 5.5 इंच शोल्डर और आर्मोस रखे हैं हमने। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे हम, 4th भाग 9 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच का भी रख सकते हैं। और देखिए, मैं यहाँ पर डीप नेक में 1/2 इंच बाहर की तरफ करती हूँ इस तरीके से, और 1 इंच की यहाँ पर हम गोलाई कर देंगे आर्म होल्स की इस तरीके से। नीचे कमर का नाप लेंगे, कमर 30 इंच है, उसका 4th भाग 4th पार्ट लेंगे यहाँ पर 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, और 1 इंच मैंने बैक पार्ट में जो प्लेट्स लगाते हैं हम उसके लिए लिया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए, मैंने बैक पार्ट की कटिंग यहाँ पर कर ली है इस तरीके से, और ये साड़ी का बॉर्डर है ब्लाउज़ में। तो देखिए, हम बॉर्डर को अलग कर देंगे, इससे हम ब्लाउज़ में डिज़ाइन बनाएंगे। बॉर्डर को कट करके मैंने अलग कर दिया है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर हम अस्तर के फैब्रिक को इस तरीके से रखेंगे और साइड से थोड़ा बढ़ा कर हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए, नेक के लिए मार्किंग करनी है तो गले की चौड़ाई डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैं रख रही हूँ यहाँ पर 2.5 इंच, और नेक की लेंथ रख रहे हैं हम 11 इंच। नीचे से चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच। इस तरीके से आपको मेजरमेंट लेने हैं, और देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर शेप दे देना है। तो ये शेप हमने इस तरीके से दिया है। साइड से आपको 1 इंच लेना है एक्स्ट्रा डिज़ाइन के लिए। और इस तरीके से डिज़ाइन का शेप दे देना है। ये देखिए, शेप मैंने दे दिया है। इसी शेप को हम करेंगे पेपर पेस्टिंग के ऊपर। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ली, इसे डबल फोल्ड कर लिया है, और गले की चौड़ाई यहाँ से 2.5 इंच लेंगे। जो मेज़रमेंट हमने ब्लाउज अस्तर के फैब्रिक पे लिए हैं, सेम मेज़रमेंट यहाँ पर भी लेना है हमें इस तरीके से। साइड से 1 इंच लेते हुए हमें डिज़ाइन बनानी है। आप चाहे तो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को ब्रॉड में और लेकर, चौड़ाई में ज़्यादा लेकर इस डिज़ाइन को और ज़्यादा ब्रॉड आप बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर शेप दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसे बीच में से कट कर लूँगी इस तरीके से।
ये देखिए हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है। इसे चिपकाना है हमें यहाँ पर। देखिए बॉर्डर का जो फैब्रिक था उसे मैंने बीच में से सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है और उसके ऊपर मैंने ये पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है प्रेस से अच्छे से। अब देखिए हमें क्या करना है, स्टिचिंग करनी है। तो साइड से सबसे पहले हम ये वाला जो हमने पैच रेडी किया है इसे हम फिनिशिंग कर देंगे। साइड से हम आधा इंच का कपड़ा रखते हुए इसे कट कर लेंगे। सिर्फ हमें जितना फोल्ड रखना है उतना ही पार्ट हम यहाँ पर रखेंगे, बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। और एक मैंने यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा दिए हैं ताकि ये फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा सीधी तरफ दिखेगा ब्लाउज के। अब इसे फोल्ड करते हुए एक सिलाई हम कॉर्नर की लगा लेंगे इस तरीके से। फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ पर इसे फोल्ड करते जाना है और कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने यहाँ पर इसे फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर लिया है। अब मेन फैब्रिक को रखना है इस तरीके से और अस्तर के फैब्रिक को रखना है इस तरीके से। पिन लगा लेंगे और इसे चारों तरफ से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाकर हम अटैच कर लेंगे। हाथ से आप इसे फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सली या क्रीस ना रहे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हम निकाल देंगे और इसे रखेंगे इस तरीके से। फोल्ड करेंगे बराबर से और बीच में एक छोटा कट लगा लेंगे। हाथ से हम क्रीज बना लेंगे और मार्किंग कर लेंगे सेंटर में। अब हमने ये जो पेज तैयार किया है इसकी भी हम सेंटर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। अब इसे हम अपने ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आपको सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। अब हमारा जो डिज़ाइन वाला पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बिल्कुल पेस्टिंग के साथ चिपकाते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से और पूरी ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। अब हम इसे सीधी तरफ पलट लेंगे। तो आप इसे हाथ से फिनिशिंग कर लें या फिर आप चाहे तो इस पे प्रेस भी लगा सकते हैं। सीधी तरफ इसे फोल्ड करते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे कॉर्नर की। देखिए सीधी तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब साइड से भी हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। कपड़ा अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लें।
देखिए हमने सिलाई लगा ली है, अब हम बैक पार्ट में प्लेट्स लगाएंगे इस तरीके से। और नीचे की तरफ लगाएंगे हम कमर पट्टी, तो 1.5 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पर कमर की पट्टी ली है, उसे हम इस तरीके से फिनिशिंग से लगाएंगे। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से लेस लगा रही हूँ, तो आप भी अपनी साड़ी के कॉम्बिनेशन में, ब्लाउज़ के कॉम्बिनेशन में लेस ले सकते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से लगाना है आपको। तो देखिए जो डिज़ाइन बनी हुई है वहाँ पर हल्की सी प्लेट्स प्लेट्स डालते हुए आपको लेस को इस तरीके से लगाना है। जो भी लेस अगर आप लेते हैं तो वो लेस एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, जो आसानी से फोल्ड हो जाए, तो ही आपके ब्लाउज़ में अच्छी फिनिशिंग दिखेगी। ये देखिए इस तरीके से जो हमारा डिज़ाइन का पेज वर्क का जो शेप है, उस शेप के अकॉर्डिंग हमें लेस लगानी है यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से मैंने लेस लगा ली है, और एक सिलाई और लगा लेंगे हम फिनिशिंग के साथ लेस के ऊपर। ये देखिए मैंने साइड से भी एक सिलाई और लगा ली है फिनिशिंग से। अब मैंने यहाँ पर अपनी मशीन का फुट चेंज कर लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर मोती वाली लेस लगा रही हूँ। मोती वाली लेस लगाने के लिए हमें मशीन का जो फुट होता है उसे चेंज करना होता है, उसी से फिनिशिंग से हमारी लेस यहाँ पर लग पाएगी। तो देखिए मोती की लेस लगाने से हमारे जो ब्लाउज़ का लुक है वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा, तो इस तरीके से हम यहाँ पर फिनिशिंग के साथ लेस लगा लेंगे। ये देखिए ऊपर की तरफ मैंने लेस लगा ली है, यही लेस हम नीचे की तरफ भी लगाएंगे। ये देखिए हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है, और ऊपर की तरफ हम ये डोरी लगाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको लटकन बनाना बताती हूँ। मैंने लंबाई में और चौड़ाई में 4 इंच रखा है फैब्रिक को, और देखिए इसे इस तरीके से ट्रायंगल में फोल्ड करके आपको यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से, और इसमें आपको रखना है डोरी को इस तरीके से बीच में, बिल्कुल सेंटर में रखना है आपको डोरी को, और इस तरीके से फिर से इसे ट्रायंगल में फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। बहुत ही सुंदर यहाँ पर लटकन आपकी बन जाएगी। फिर एक सिलाई इस तरीके से लगा लेना है, फिर इसे फोल्ड करते हुए एक सिलाई आपको इस तरीके से लगा लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और इसे पलट लेना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से आप ये सुंदर लटकन बना सकते हैं, और ऊपर नेक की तरफ से 1.5 इंच आपको नीचे की तरफ डोरी को अटैच करना है, तो इस तरीके से आप अपनी डोरी अटैच करें। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से डोरी को लगाना है।
और देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ब्लाउज़ है वो बनके कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।